क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में बने सबसे पुराने होटल का नाम क्या है, या फिर अब तक का हाईएस्ट सेलिंग मोबाइल फोन कौन सा है? इस वीडियो में जानेंगे आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं एंड्रॉइड जो कि स्मार्टफोन मार्केट का सबसे बड़ा ओएस है, वो रियल में गूगल का आइडिया नहीं था। एंड्रॉइड को अक्टूबर 2003 में एंडी रूबिन और रिक माइनर द्वारा एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन में लॉन्च किया गया था। गूगल ने इसे 2005 में $50 मिलियन में खरीदा और 2007 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया था। क्या आप जानते हैं इंसानी दिमाग यानी कि ह्यूमन माइंड एक सेकंड में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और इस समय जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे माइंड का मात्र 0.02% ही परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए अपने आप को कभी भी किसी कंप्यूटर से कम मत समझिएगा, क्योंकि आपका माइंड किसी भी तरह के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। क्या आप अब तक के ऑल टाइम हाईएस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, जो कि है नोकिया 1100। ये फ़ोन 250 मिलियन ऑफ सोल्ड यूनिट के साथ नंबर 1 पर है। हालांकि इस फ़ोन में आज के स्मार्टफोन्स की तरह कोई इंटरेस्टिंग फीचर नहीं था, फिर भी ये फ़ोन नंबर 1 पर बना हुआ है। ट्विटर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और आपने शायद यूज़ भी किया होगा, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है ट्विटर के लोगो पर बनी इस ब्लू कलर की बर्ड पर? इस बर्ड का ऑफिशियल नाम लैरी है। अगर आप अब तक इस बर्ड का ऑफिशियल नाम नहीं जानते थे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप किसी भी चीज़ को सैलो यानी कि निगलने और सांस लेने का काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फूड या लिक्विड जो गले से नीचे जाता है और सांस द्वारा ली गई हवा दोनों गले के सेम हिस्से से ट्रेवल करते हैं, और इसी वजह से सांस लेने का काम और निगलने का काम एक साथ नहीं किया जा सकता है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना होटल 7वीं सेंचुरी यानी कि 7th सेंचुरी में बनाया गया था। जापान के यामानाशी में सन 705 यानी कि पिछले 1300 सालों से ये होटल अपनी सर्विसेज दे रहा है। दी निशियामा ऑनसेन के उनका नाम से बना ये होटल फुजीमारा माहितो ने बनवाया था, और तब से लेकर अब तक ये होटल एक ही परिवार के 52 पीढ़ियों को सौंपा जा चुका है। लास्ट फैक्ट पर जाने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, ये तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर किसी देश का नेशनल एनिमल हो सकता है? तो स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जिसका नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है, जो कि एक पूरी तरह से माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिकॉर्न को प्योरिटी और इनोसेंस के साथ मैस्कुलिनिटी और पावर का सिंबल भी माना जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।